हम समझते हैं कि ये धरती जो है इस पूरे प्रदेश को रोशन करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई गांव ऐसे हैं जो बिजली से वंचित हैं, पानी से वंचित हैं, बहुत मूलभूत चीज़ों से वंचित हैं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस नगर पंचायत में अगर जो है अगर नवसृज नगर पंचायत अगर अच्छे हाथ में जाएगी, देखा जाए तो इस नगर पंचायत की बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है यहाँ पे। और वैसे तो ये ऊर्जांचल है, औद्योगिक धरती है, ऊर्जा की धरती है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मेगावाट्स के पावर प्लांट हैं, यहाँ पे कोल फील्ड है, यहाँ पे कई सारे अवसर हैं। जनता अपने हक अधिकार को जब तक नहीं जानेगी और अपने लीडर से जब तक क्वेश्चन नहीं करेगी, तब तक जो है आप ये बताइए कर्मचारी, आपका लीडर जो है वो आपका कर्मचारी है। हम लोग किसी दुकान में कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो बहुत सोच विचार करके, बहुत सामान देख के उसका चयन करते हैं। तो आप जब भी वोट दें तो वोट हमेशा जो है देते समय प्रत्याशी का जो चयन करें, आप अपने लीडर का जो चयन करें, वो बहुत सोच समझ के चयन करें कि जो है वो उसमें गड़बड़ी ना हो। तो इस बीच हम राय ले रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त हम रेणु सागर में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक समाजसेवी युवा नेता सत्यांश मिश्र जी। चूँकि इस वक्त नगर पंचायत का चुनाव कहीं ना कहीं माहौल गर्म है उसको लेकर के, और इस मुद्दे पर नगर पंचायत के चुनाव को लेकर के हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार ये पहली बार चुनाव हो रहा है इस क्षेत्र में, तो क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह का आप नगर पंचायत चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं सत्यांश मिश्रा, आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ सनातन टाइम्स को। जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का नगर पंचायत होना चाहिए, तो जहाँ तक हम जानते हैं कि ये नव सृजित नगर पंचायत है और अनपरा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत है, जिसमें तकरीबन 90,000 वोटर हैं। तो अगर मेरे विचार पूछेंगे तो मेरे विचार तो इसी प्रकार है कि हम चाहते हैं कि ये नई नगर पंचायत युवा नगर पंचायत रहे, और जिसको कहते हैं नौजवान नगर पंचायत होना, ये नौजवानों की जो है पृष्ठभूमि है। इस नगर पंचायत में तकरीबन 40,000 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल तक की है, तो हम समझते हैं कि निर्णायक वोटर भी यहाँ पे ये युवा ही हैं। तो युवा नगर पंचायत अगर होता है तो कहीं ना कहीं युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, और सही मायने में सबसे ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पे इस नगर पंचायत में, अगर सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी को है नवसृजित नगर पंचायत से, सबसे ज़्यादा उम्मीद और आस अगर कोई लगाया है तो यहाँ के युवा ही लगाए हैं। अच्छा, अगर युवाओं ने आस लगा रखी है और आप भी एक युवा नेता हैं, समाज सेवी हैं, आपके हिसाब से इस नगर पंचायत की जो नवसृजित है समस्याएं क्या हैं, और अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किस तरह से होगा। देखा जाए तो इस नगर पंचायत की बहुत सारी समस्याएँ हैं, समस्याओं का अंबार है यहाँ पर। और वैसे तो ये ऊर्जांचल है, औद्योगिक धरती है, ऊर्जा की धरती है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मेगावाट्स के पावर प्लांट हैं, यहाँ पे कोल फील्ड है, यहाँ पे कई सारे अवसर हैं, रोज़गार के अवसर हैं, सारी चीज़ों के अवसर, लेकिन यहाँ की स्थानीय लोग या जो यहाँ के युवा हैं बड़ा उपेक्षित हो जाते हैं कि इतने कल कारखाने होने के बावजूद यहाँ उनको जो है रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते, यहाँ के स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जबकि हमारे यहाँ CSR का फंड 1,000 करोड़ रुपए CSR का फंड है। हम तो समझते हैं कि DMF का ही लगभग 1,000 करोड़ 1,600 करोड़ राउंड अबाउट अभी DMF फंड में होगा, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जिसको बोलते हैं, जो इसी जनपद में खर्च होना है, उसके बावजूद यहाँ स्वास्थ्य सेवा शून्य है। यहाँ की कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कल कारखाने हैं, बड़े बड़े जो है पावर प्लांट्स हैं, यहाँ की कंपनियाँ हैं, कंपनियों के अंदर क्या है कि वो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका मोटो ये होता है कि हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, वो जबकि नॉर्म्स में है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध कराना है, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें कंपनियों को उपलब्ध करानी चाहिए। जैसा कि हम लोग भी पिछले कई दिनों से क्षेत्र में निकल रहे हैं और पिछले 3 दिनों से हम लोग सोनभद्र ज़िले में हैं, खास करके अनपरा या ओबरा विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ की जनता की मूलभूत ये जो सुविधाएँ हैं यही नहीं पूरी हो रही, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे शिक्षा की। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर कई सारे पावर प्लांट्स हैं। हम समझते हैं कि ये धरती जो है इस पूरे प्रदेश को रोशन करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई गांव ऐसे हैं जो बिजली से वंचित हैं, पानी से वंचित हैं, बहुत मूलभूत चीज़ों से वंचित हैं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस नगर पंचायत में अगर जो है
अगर नवसृजित नगर पंचायत अगर अच्छे हाथ में जाएगी या अच्छे लोगों के हाथ में इसकी कमान होगी तो यहाँ के लोगों को ये स्थानीय मूलभूत समस्याओं से जो है जूझने में, मतलब मूलभूत समस्याओं से मदद करेगी उस लड़ने में, और ये होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ के जो युवा वोटर हैं वही निर्णायक हैं, तो इस बार वो मतदान के लिए घर से बाहर निकले, क्या अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम अपील करना चाहेंगे कि यहाँ का वोट, एक वोट जो है, हम आप जो है सजग नहीं हो पाते वोट, एक्चुअली क्या है कि वोटिंग का जो दिन होता है हम लोग उसको जो है एज एन हॉलीडे लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और ख़ासकर युवा इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। हम मेरा आप सभी युवाओं से एक विनती है कि अगर आप लोगों के पास आपका कुछ है, अगर आपके पास कोई आप सबसे मूल पूंजी आपके पास कुछ है तो वो आपका वोट है, इसको जाया ना करें। ये आपका भविष्य तय करेगा, ये आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। वोट आप बहुत सोच समझ के दें। हम लोग किसी दुकान में कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो बहुत बहुत सोच विचार करके, बहुत सामान देख के उसका चयन करते हैं। तो आप जब भी वोट दें तो वोट हमेशा जो है देते समय प्रत्याशी का जो चयन करें या आप अपने लीडर का जो चयन करें वो बहुत सोच समझ के चयन करें कि जो है वो उसमें गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सामान नहीं है, ये आपके डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट करेगा। जबकि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो बहुत जांच पड़ताल करते हैं, पर एक चीज़ जो जनता मतदान करती है और प्रत्याशी जीतता है, फिर उसके बाद वो जनता तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये बड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा हमेशा से रहा है। तो जनता को क्या लहर देख करके वोट करनी चाहिए या फिर जो प्रत्याशी उनके दुख सुख में पहुंचता है वो देखकर? लहर बहुत मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि कनेक्टिविटी कितनी है। एक्चुअली इसमें गलती सिर्फ लीडर की नहीं होती है, इसमें लीडर जनता की भी होती है। जनता अपने हक अधिकार को जब तक नहीं जानेगी, वो अपने लीडर से जब तक क्वेश्चन नहीं करेगी तब तक जो है, आप ये बताइए कर्मचारी, आपका लीडर जो है वो आपका कर्मचारी है, और आप अपने कर्मचारी को खुला छूट दे देंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो काम कहाँ करेगा। आप एक स्टाफ अपने यहाँ रख लें, और अगर उसको जो है आप टाइम पे सैलरी दे रहे हैं लेकिन उसको कमांड नहीं दे रहे हैं कि आपको करना क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है वो काम करके थोड़ी ना पैसा लेगा। वो हमेशा चाहेगा कि जो है हम काम चोरी करें। तो अगर लीडर काम चोरी करता है तो उसमें गलती सिर्फ लीडर की नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आम पब्लिक की भी गलती है, हमारी गलती है, सभी सामाजिक संगठनों की गलती है, सामाजिक लोगों की गलती है। ये सिर्फ हम लोग लीडर को आरोप प्रत्यारोप करें ये भी उचित नहीं होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराएंगे कि उन्होंने जब से वो जीते तब से हमारे पास आए नहीं, तो गलत होगा। अगर अगली बार वो आप तक पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए तो फिर आप उनसे सवाल जवाब करिए, अपने हक को छीनने की कोशिश करिए अगर मांगने पर नहीं मिलता है तो। और एक जब युवा राय आपके सामने इस तरह से आएगी कि आप जो भी प्रत्याशी चुनते हैं उनसे अपने काम को करवाने का एक मादा भी रखिए और उन्हें एक तरह से उस काम को करने के लिए मोटिवेट भी करिए और बताइए भी कि हमारी क्या परेशानी है और किस तरह से उसका निराकरण किया जा सकता है। और फिर जब वो जनप्रतिनिधि आपकी बात ना माने तो फिर मतदान का हक आपके हाथ में ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सत्यांश जी हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि आप विजयी हों और जनता के बीच में पहुँच के जो जनता की समस्याएँ हैं उसका निराकरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सनातन टाइम्स को, और हम चाहेंगे कि आपका न्यूज़ चैनल इसी तरह जो है लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याओं को जो है सभी लोगों तक पहुंचाए और लोगों को जागरूक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।